बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ग्रीजन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर जकी अब्बास। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 8, जो कि वैसे हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसका टॉपिक है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ गैसेज, इसको स्टडी करेंगे। तो बेटा आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास एक ऐसी स्टेज है जब हम लिक्विड को कूल करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लिक्विड है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होते होते हमारे पास एक ऐसी स्टेज आती है जब वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का आपके पास इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। तो बेटा उस टेम्परेचर पर आपके पास जो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे टेम्परेचर को या ऐसी स्टेज को जहां पर हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम ऐसे टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0°C है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वाटर एज ए लिक्विड और आइस दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है। तो इसकी डिफाइंग की तरफ आते हैं। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या है, वो कहता है आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट, आपके पास एक लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, और हमारे पास एक ऐसी स्टेज आती है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर आपके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, और वहाँ पर उस स्टेज पर सॉलिड एंड लिक्विड क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इस पॉइंट को, उस स्टेज को, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0°C है। इस टेम्परेचर पर आपके पास जो वाटर है ये आपके पास लिक्विड स्टेज है, और ये आपके पास क्या है, सॉलिड स्टेट। तो 0°C एक आपके पास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड एंड सॉलिड क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं दोनों स्टेट्स के अंदर। तो बेटा ये आपके पास था फ्रीजिंग पॉइंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो पार्ट है वो है हमारे पास डेंसिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी। बेटा डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। एम बेटा आपके पास मास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वी आपके पास किसको, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस फार्मूले को मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो इस फार्मूले से मुझे दो रिलेशन सामने नज़र आते हैं। पहला रिलेशन ये है कि डेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब अगर हमारा मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर हमारा मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। और दूसरा रिलेशन हमारे पास है वो ये है कि डेंसिटी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा, यानी कि वॉल्यूम के कम होने से डेंसिटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है बेटा। आपको ये दोनों का पता चल गया होगा कि मास के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ेगी, वॉल्यूम के बढ़ने से आपके पास डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम के कम होने से डेंसिटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो बेटा इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो लिक्विड की डेंसिटी है या सॉलिड की डेंसिटी है या गैस की डेंसिटी है वो आपके पास मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि डेंसिटी हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास है उसकी रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। बेटा यहाँ पे हमारे पास दो तीन टर्म्स हैं जो छोटी छोटी हैं, उनके साथ साथ आंसर्स भी आपको क्लियर करते जाएंगे। पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते हैं वो हम कहते हैं मोस्टली लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। तो बेटा एक सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लिक्विड्स मॉलिक्यूल हैं, मेरे पास मैं डायरेक्ट लिक्विड की ही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि गैस को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये मेरे पास क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा आप देख सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल हैं और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, तो ये स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान जगह नहीं होती। तो बेटा इस वजह से ये आपके पास क्या होती हैं, डेंसर होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। अगर हम गैस की भी बात करते जाएं तो बेटा ये हमारे पास अगर सेम मास लिया है हमने इसके अंदर लिक्विड का, सेम मास गैस का लिया है, तो आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं और उनके दरमियान फासला भी ज़्यादा है और आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या हैं, वीक हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, वो कहते हैं दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। बेटा इसी डायग्राम में आपका आंसर क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो नेग्लिजिबल हैं, तो ये आपके पास क्या रहते हैं, एक फिक्स आपके पास वॉल्यूम होता है इनका, ये एक लेयर बनाकर रहते हैं, इनका एक अपना स्टाइल होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के हैं वो अरेंज होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और आपके पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं ये फ्रीली एक्सपेंड नहीं कर सकते, जिस तरह गैस मॉलिक्यूल फ्रीली एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर जिधर मर्जी चले जाएँ, ये नहीं, हालांकि ये कंटिन्यूस मोशन में है लेकिन इनका एक अपना स्टाइल है लिक्विड्स का, मूवमेंट का, ये उसी में रहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि आपके पास जो लिक्विड की डेंसिटी है वो हायर होती है किससे, गैसेस से। बेटा ऐसा क्यों है, हम अभी इसकी पॉइंट को क्लैरिफाई करते आए हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो लेस वॉल्यूम कवर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेज, अगर हमने सेम मास भी लिया हो। तो फार्मूला हमें बताता है कि अगर आपके पास मास अगर सेम है दोनों का, अगर किसी का वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम गैस की बात करते हैं क्योंकि मास हमने दोनों का सेम लिया है, तो बेटा गैस जो होती है वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करती है, वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कवर करती है, तो वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है। और लिक्विड की बात करें सेम मास तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देंगे तो इसको थ्योरेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैसेस बिकॉज दे ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है बेटा, इफ सेम मास इज टेकन, अगर हमने सेम मास भी लिया हो। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अक्सर पेपर में MCQs के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सवाल आता है, वाई ड्रॉप ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड, आपके पास बारिश के कतरे ज़मीन की तरफ क्यों आते हैं, नीचे क्यों आते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आप यहाँ पे डेंसिटी, आपके पास जो वाटर की डेंसिटी होती है ना वो हमारे पास है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि एयर की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो आपके वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, एयर से, तो हमारे पास एयर क्या चीरता हुआ, हमारे पास ड्रॉप ऑफ रेन जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। बेटा डिफरेंट लिक्विड्स की
जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अगर ये ड्राइंग आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये हमारे पास एक कंटेनर है जी, अब इसके अंदर मैंने तीन लिक्विड लेने हैं, लेकिन आपने ये खुद बताना है कि किसकी डेंसिटी क्या होगी, किसकी डेंसिटी यानी कि कौन नीचे आएगा, कौन दरमियान में आएगा और कौन ऊपर आएगा। बेटा मैंने इसमें एक लेना है हनी, शहद, एक बेटा मैंने इसमें लेना है वाटर, और तीसरा मैंने लेना है कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। बेटा अब ये काम मैंने आपको दिया है, आपने मुझे बताना है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है और वो कैसे कैसे अरेंज्ड होंगे। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटे से लेक्चर की आसानी से समझ आ गई होगी। बेटा पेपर में ये आपके पास दो नंबर का सवाल आता है डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, और बाज़ का दो नंबर का सवाल आता है व्हाट डू यू नो अबाउट डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो आपको हमने इसके बारे में आपके बुक के रिलेटेड सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।